लगातार हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार शिप्रा नदी में जो जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से घाटों पर स्नान पर रोक लगा दी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में आते हैं और शिप्रा नदी में स्नान का सपना लेकर आते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नेपाल से आए हैं। तो क्या यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा है शिप्रा नदी के घाटों पर? देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यही अब यहाँ का उज्जैन का सुन रहे हैं, बहुत ही स्नान कर पाए हम? नहीं, पानी लिखा हुआ है बहुत गहरा, मतलब बहुत ही पानी का स्तर बढ़ गया, कैसे हम लोग नहाएंगे स्नान करेंगे यहाँ पे? तो आपने स्नान किया है घाटों पे? नहीं किया। तो क्या अंकल आप भी स्नान करने का सोच कर आए थे शिप्रा में? सोच कर के आए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि स्नान कर ही नहीं सकते हैं और बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो केवल आपने आचमन किया और यहाँ से जा रहा है? हाँ, आचमन किया और यहाँ से जा रहे हैं, स्नान की नहीं हो पाई। अच्छा, शिप्रा नदी का शास्त्रों में काफ़ी महत्व है। उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, इसी भावना के साथ पूरे देश भर के श्रद्धालु आते हैं। आप भी स्नान की भावना लेकर आए थे यहाँ? जी। तो क्या नज़ारा देख रहे हैं अभी? पानी काफ़ी गहरा है। पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे? जी, लगातार पानी बढ़ रहा है। इसी के चलते जो घाट है, घाटों पर स्नान पर रोक लगा दी गई है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वे केवल आचमन कर यहाँ से निकल रहे हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी में सूरत से स्नान करने के लिए पूरा परिवार आया था। हमारे साथ विनोद भाई का परिवार है जो कि यहाँ शिप्रा स्नान करने के लिए आया था। स्नान हो पाया आपका? नहीं, बारिश की बहुत और पानी ज़्यादा है, इसकी वजह से स्नान नहीं कर पाया। तो और पानी का छींटा डाल दिया है। छींटे डाले पानी के? आपने स्नान किया? नहीं, स्नान किया। क्या नज़ारा है यहाँ पर? पानी ज्यादा है थोड़ा, इसलिए छींटे डाल दिए, बस स्नान नहीं किया। पानी के छींटे डाल के जा रहा है। अगली बार जब आएंगे, जब आपको शिप्रा स्नान की मंशा रहेगी आपकी? हाँ, अवश्य रहेगी। तो अभी क्या लगता है आपको, कल से आप उज्जैन में किस तरीके की बारिश हो रही है? ज्यादा बारिश हो रही है, लगातार हो रही है? लगातार हो रही है। तो पानी शिप्रा नदी में बढ़ता जा रहा है? अभी बढ़ता जा रहा है, कल तो बहुत ज्यादा था, आज थोड़ा कम है। आज थोड़ा उतरा, आज उतरा, लेकिन अभी भी बारिश जारी है। उज्जैन में अभी भी बारिश जारी है और शिप्रा स्नान की मंशा लेकर गुजरात का परिवार आया था। ऐसे सैकड़ों परिवार है जो कि उज्जैन में यहाँ पर शिप्रा स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है। और जो अगली बार वो आएंगे तो उनकी ऐसी मंशा है कि वे यहाँ पर स्नान करके जाएंगे। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।